हेलो एवरीवन, हम सभी के समक्ष आजकल प्रायः एक कॉमन बीमारी आती है जो है ओल्ड एज में हम सभी को होनी है। भारत में ये आंखों की बहुत कॉमन समस्या है। आज मैं डॉक्टर अरुण गुप्ता, डायरेक्टर उमाप्रेम नेत्रालय, इस कॉमन समस्या के बारे में बात करेंगे। वो कॉमन समस्या है मोतियाबिंद कैटरेक्ट। हम देखते हैं हमारे घर में माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी या किसी को भी ये समस्या हो चुकी है या हो रही है। तो कैटरेक्ट होता क्या है, आइए जानते हैं कि कैटरेक्ट होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारी आंख की संरचना है, जिसमें इस संरचना में हम जो बाहर होता है, सबसे बाहर ये कॉर्निया कहते हैं, काली पुतली होती है। उसके अंदर जो है ये हमारा अंदर ये जो गोल वाला हिस्सा है, इसको हम विट्रस कैविटी कहते हैं। इसके अंदर जो होता है कॉर्निया के अंदर ये इस तरह का ये लेंस होता है और सबसे पीछे ये आपकी नस होती है। जब चारों ही चीज हमारी अगर नॉर्मल रहे तो हमें सब कुछ सही दिखाई देता है। अगर किसी भी व्यक्ति की एक भी चीज खराब हो जाए, जैसा कि ये कॉर्निया डैमेज हो जाए या ये हमारा नेचुरल लेंस होता है, ये लेंस पारदर्शी होता है। अगर ये पारदर्शी लेंस खराब होके अगर इस तरह का हो जाए सफेद, तो आप देखिए आप इस लेंस के बाहर से देख नहीं सकते। तो इसमें क्या है, जैसे एक चश्मे का लेंस है, अगर हमारा चश्मे का लेंस पारदर्शी है इस तरह का, तो ये इस लेंस से आप देख सकते हैं। लेकिन अगर ये लेंस किसी भी वजह से ओपेक हो गया, जैसा कि ये है, या कैटरेक्ट में कई तरह के कैटरेक्ट होते हैं, इस तरह से हो गया, या इसमें बहुत तरह के कैटरेक्ट हैं, ये इस तरह से हो गया, तो हर कैटरेक्ट में अगर कोई भी और समस्या होती है तो दिखाई देना कम हो जाता है। यानी मोतियाबिंद जो होता है, कुदरती लेंस के ट्रांसपेरेंसी लॉस को मोतियाबिंद कहते हैं। जो कुदरती लेंस है वो पारदर्शी होता है, और किसी भी वजह से अगर नेचुरल लेंस की पारदर्शिता खत्म हो जाए या कम हो जाए, उसी को कैटरेक्ट। आइए जानते हैं कैटरेक्ट का इलाज क्या है, कैसे हम इस बीमारी से निजात पाएं। एकमात्र इलाज कैटरेक्ट का केवल यही है कि अगर ये लेंस है और इसके अंदर ये मोतियाबिंद बन गया है, ये तो इसको जैसे हमारे आंख में अगर चश्मा लगा है और चश्मे में जो शीशा लगा है अगर सफेद हो गया, तो आप क्या करेंगे, शीशा नया लगाएंगे। तो उसी तरह ये जो सफेद लेंस है, मोतियाबिंद है, इसको हम लोग बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के लिए पहले जो होता था, यहां से यहां ऐसे चीरा लगाते थे और इसको साबुत, ऐसे लेंस को साबुत ऐसे पूरा बाहर ऐसे निकाल के, और एक इस तरह का नया लेंस आता है, आर्टिफिशियल लेंस, इंट्राकुलर लेंस, आईवेल कहते हैं, ये इंट्राकुलर लेंस इसमें डाल देते थे, लेंस प्रत्यारोपण कर देते थे। तो इस ये बहुत प्राचीन विधि थी। अब हमारे यहाँ वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन मशीन आ चुकी है, एल्कॉन सेंचुरियन, जो विश्व की सबसे नवीनतम टेक्नोलॉजी है, MICS माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी। मात्र 1.8 mm के छोटे से छिद्र से ये मशीन, ये आंख के अंदर ऐसे हम लोग छेद बनाते हैं साइड से, और इस छोटे से छेद से अंदर जाती है मशीन, और अंदर जाके ये मोतियाबिंद जो होता है, ये मोतियाबिंद अंदर जैसे यहाँ पे है, इसको कई हिस्से में तोड़ के गला देती है, और जब ये लिक्विड बन जाता है तो ये मशीन उसी लिक्विड से ऐसे सक कर लिया, और सक करने के बाद कोई भी जो लेंस आता है, फोल्डेबल लेंस होता है आजकल, उस फोल्डेबल लेंस को ऐसे हम लोग रोटी की तरह ऐसे मोड़ देते हैं, जैसे रोटी का रोल होता है, ब्रेड रोल की तरह ऐसे मोड़ दिया, और उस छोटे से छेद से ये लेंस ऐसे डाल दिया। अब लेंस जाके अंदर ऐसे फैल जाता है, तो ये लेंस हो गया अंदर जाके आंख के अंदर ऐसे अंदर जाके सेट हो जाता है, तो इसको कहते हैं मोतियाबिंद का ऑपरेशन। ये विश्व की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है MICS। हमारे यहां वर्षों से ये 100% सफलता के साथ ये ऑपरेशन बिना चीरा, बिना पट्टी, बिना सुई, दर्द रहित, हम मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर में हम लोग कर रहे हैं, और सफलता का प्रतिशत
100% पेशेंट को दिया जाता है और ऑपरेशन बहुत ही अच्छा, कंफर्टेबल, प्रिसाइज एंड एक्यूरेट होता है। थैंक यू डॉक्टर अरुण।